अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपको मनाजर नज़र आ रहे हैं ये स्मगलर्स का रूट है बलूचिस्तान में। ये नाले में तोगयानी आ जाने की वजह से ये सारी गाड़ियां हादसों का शिकार हुई हैं और बलूचिस्तान में स्मगलिंग किस तरह से की जा रही है, ये बाढ़ काटी गई है और ये आप अब गाड़ियां देखें, ये हज़ारों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ, ये फर्टिलाइज़र, यूरिया या खाद जिसे आप कहते हैं, उसके बाद चीनी, गंदम, पेट्रोल और डीजल और अदवियात, डॉलर्स और दीगर फॉरेन करेंसीज, और उसके बाद 5,000 के नोट जो पाकिस्तानी नोट शॉर्ट होते हैं, नहीं मिलते आपको मार्केट में, वो और बेशुमार इस तरह की चीज़ें स्मगलिंग करके यहाँ से दूसरी तरफ मुंतकिल की जाती हैं और वहाँ से बदले में कपड़ा, ईरानी पेट्रोल और डीजल। ये आप देखें, ये हज़ारों की तादाद में ये गाड़ियाँ, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये दिन दिहाड़े ये काम होता है। ये बाढ़ काटी गई है, ये देखें आप यहाँ भी गाड़ियों की तादाद का आप अंदाज़ा करें ज़रा, कि ये लाखों नहीं तो हज़ारों तो ज़रूर हैं, और ये रोज़ाना यहाँ पर इसी मकदार में ये स्मगलिंग होती है। ये ईरानी तेल और डीजल यहाँ से लाया जाता है और कपड़े जो हैं वो लाए जाते हैं स्मगल करके, नॉन कस्टम गाड़ियाँ लाई जाती हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ आइटम्स वो लाए जाते हैं, और यहाँ पाकिस्तान से जो उस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो ये आप देखें, ये यूरिया और फर्टिलाइज़र वाली गाड़ियाँ, और ये कई हज़ार गाड़ियाँ रोज़ाना पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और ईरान और साउथ एशिया की मंडियों तक जा रही हैं। इसमें चीनी भी जा रही है, इसमें गंदम जा रही है, जिस वजह से पाकिस्तान में ये चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं। और ये सिर्फ बजरिया रोड नहीं हो रहा, आप समंदरी हदूद अपनी देखें कि हम समंदरों में कितने महफूज हैं। ये अब बोट्स के ऊपर भी स्मगलिंग आप चेक कर लें कि दूसरी तरफ से ला के ईरानी पेट्रोल और ईरानी डीजल जो है वो यहाँ डंप किया जाता है, फिर यहाँ हमारी तरफ से गाड़ियों में उसको मुंतकिल करके और बड़े बड़े शहरों तक यही स्मगल शुदा फ्यूल पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से हमारी फ्यूल क्वालिटीज़ क्या हैं वो आपकी गाड़ियों के आए रोज़ खुलते काम आपको खुद ही बता रहे होंगे। ये आप तादाद चेक करें, और आपको ये वीडियोस कंपाइल करके दिखाने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉर्डर कितने महफूज हैं, और हमें जो ये शॉर्टेजेस आ रही हैं गंदम की, चीनी की और यूरिया की खाद जो है फर्टिलाइज़र, उनके असल वजूहात उनकी क्या हैं। और आप ये देख लीजिए कि जब तक ये इस बड़े पैमाने के ऊपर हो रही स्मगलिंग का सदबाब नहीं होगा, तो तब तक हमारी इन चीज़ों की प्राइसेस नीचे कैसे आ सकती हैं। अब इसमें अंदाज़ा कीजिए कि बेनिफिशरीज़ कौन होंगे जो 65-70 रुपए लीटर फ्यूल जो है ईरान से ख़रीद के और यहाँ पाकिस्तान में आके 250 रुपये से ज़्यादा प्राइस पे वो पर लीटर बेचा जा रहा है। इसमें